नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्रगुप्ता अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस टॉपिक को कवर किया हुआ था। उसके हम लोगों ने थ्योरी को देखा हुआ था कि किस प्रकार से यदि आपके पास बहुत सारे प्रतिरोधों का समूह हो तो आप उसको कितनी तरह से संयोजित कर पाते हो। तो हमने ये पाया कि यदि आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं तो उनको हम लोग दो प्रकार से संयोजित कर रहे थे। एक हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मीन्स प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। और सेकेंड हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मीन्स प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। आज के लेक्चर में उन्हीं दो प्रकार के संयोजन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बहुत सारे प्रतिरोध हमारे श्रेणी में जुड़े हैं या बहुत सारे प्रतिरोध हमारे समांतर में जुड़े हैं। मैं आपको आइडेंटिफाई करने के तरीके को बताऊंगा, उसको सिखाऊंगा, ताकि आप ये तरीका भली बात आप सीख जाओ, ताकि अगर यदि आपके सामने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जटिल नेटवर्क आपके फ्रंट पर हो तब वहां पर भी आप बहुत सारे प्रतिरोधों को आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा प्रतिरोध किसके साथ श्रेणी में जुड़ा है या किसके साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको डिटेल डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इस प्रकार से यदि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, पॉइंट ए और बी के मध्य तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक का मान 2 ओम है, दूसरे का मान 3 ओम है और तीसरे का मान 5 ओम है, और आपसे पूछा यह जा रहा है कि ये दो पॉइंट के मध्य ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिए हुए सर्किट में जो बहुत सारे प्रतिरोधों का समूह है उनका जुड़ाव कैसा है, श्रेणी है या समांतर है। तो जरा गौर करिए, मैंने आपको सिखाया हुआ था कि यदि बहुत सारे प्रतिरोधों का जुड़ाव कैसा हो, इस प्रकार से हो कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हो और यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त संयोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन बोलते हैं। अब वही चीज यहाँ पर जरा देखने की कोशिश करते हैं। इस प्रतिरोध का ये हमारा दूसरा सिरा है और इस प्रतिरोध का हमारा ये पहला सिरा है। तो आप देख रहे हो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ऐसा कनेक्शन जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हो और यही क्रम आगे हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या संयोजन को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी संयोजन। और वही चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है और यही क्रम आगे भी है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस का जो जुड़ाव है वो हमारा कैसा है, वो हमारा श्रेणी में है। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या है, आप ये चीजें आप कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में लेकर जाना उतना संभव या आसान नहीं होगा, हमारे लिए टफ होता चला जाएगा। तो उसको मैं इजी बनाने के लिए मैं एक बेस को लेकर चल रहा हूँ, उस बेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और वहां से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा दिया हुआ जो प्रतिरोधों का समूह है उनका जुड़ाव कैसा है, समांतर है या श्रेणी है। यह हमारा बेस क्या होगा, मैं करंट को बेस लेकर चलूंगा। मैंने आपको थ्योरी में सिखाया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि यदि बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो सभी प्रतिरोधों में जो धारा होगी वह समान प्रवाह होगी, लेकिन सभी प्रतिरोधों के क्रॉस जो हमारा विभवांतर होगा वो हमारा क्या होगा, वह डिफरेंट होगा, वह अलग अलग होगा। तो अगर दिए हुए नेटवर्क में हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि सभी प्रतिरोधों में धारा समान है तब हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रतिरोध उसमें जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे क्या है, वो हमारे श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अब इस प्रश्न में देखते हैं आपको करना क्या है कि जिन दो बिंदुओं के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है उसी दो बिंदुओं के मध्य एक ऑक्सिलरी वोल्टेज सोर्स को आपको ट्रीट करना है और उसके थ्रू आपको इस परिपथ में एक करंट को फ्लो करा देना है। अब जरा देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आप देख रहे हो कि पॉइंट ए और बी पर जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। इट मीन्स यदि आपका पाथ नहीं चेंज हो रहा है तो करंट आपका नहीं चेंज होगा, जो करंट यहां से चलेगा वही करंट इसमें भी फ्लो होगी और वही करंट इसमें भी फ्लो होगी और वही करंट इसमें भी फ्लो होगी। तो आपने देखा कि तीनों रेजिस्टेंस में धारा का मान क्या है, समान है।
तो मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि यदि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों का जो जुड़ा होगा हमारा कैसा होगा, वह श्रेणी होगा, क्योंकि श्रेणी में ही धारा समान होता है, समांतर में धारा समान नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, तो आप देख रहे हो कि तीनों प्रतिरोधों में धारा हमारा क्या है, समान है। इट मीन्स अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला जा रहा है कि पॉइंट ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मैंने 3 क्लास में डिस्कस किया हुआ था, यदि बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप क्या करना, सिंपली सभी प्रतिरोधों के वैल्यू को क्या कर देना, ऐड कर देना। इस प्रकार से प्राप्त जो मान होगा वो दिए हुए परिपथ का या उस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस का हमारा क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर आप तीनों प्रतिरोध को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 2+3+5। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, ए और बी के मध्य जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो आप लेके चल रहा हूं वो हमारा पैरेलल पर आधारित होगा। क्वेश्चन सेकेंड, अगर यही प्रश्न ऐसा दिया हो, जरा गौर करिएगा, 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध ए और बी, और आपसे पूछा जा रहा है अगर इनकी वैल्यू क्या है, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है, और पूछा जा रहा है पॉइंट ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब जरा ध्यान दो, इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये दिए हुए जो प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, श्रेणी है या समांतर है। तो मैंने जो तरीका करंट को बेस लेके चलना है, मैंने आपको सिंपल तरीके से थ्योरी में क्या सिखाया हुआ था, थ्योरी मैंने आपको बताया हुआ था, यदि बहुत सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हो तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन हमारा क्या होता है, वह प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाता है। वही कहानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, सेकेंड प्रतिरोध का यही पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, थर्ड प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। देख रहे हैं कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यह संयोजन जो दिया हुआ हमारा परिपथ का जो संयोजन है प्रतिरोधों का वो हमारा कैसा है, समांतर संयोजन है। लेकिन मैंने बोला ना कि करंट को बेस लेकर आपको चलना है, मैंने आपको सिखाया हुआ था कि यदि बहुत सारे प्रतिरोध आपको समांतर में जुड़े हो तो सभी प्रतिरोधों में हमारा धारा क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, और सभी प्रतिरोधों के क्रॉस जो हमारा विभवांतर होता है वो हमारा क्या होता है, समान होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन 2 पॉइंट के मध्य एक सोर्स को अज्यूम करें और उससे एक धारा प्रवाह आई हो रही है, करंट आई फ्लो कर रही है, तो आप क्या देख रहे हो, यह करंट यहाँ तक तो वही रहेगी लेकिन यहाँ आने के बाद इस करंट को 3 रास्ते मिल रहे हैं, करंट 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर यही करंट यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में वही था क्योंकि रास्ता एक ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यह करंट यहाँ तक तो वही है लेकिन इसके बाद इसके पास 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते मिलने के बाद, 3 पाथ मिलने के बाद ये 3 आपको क्या हो गया, ये करंट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। और करंट का डिवाइड मतलब क्या हो गया, वो हमारा ब्रांच आपस में कैसे होंगे, समांतर में होंगे। तो मैंने आपको समांतर में यदि बहुत सारे प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कराने के लिए मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, आपको रिजल्ट दिया हुआ था। इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2+1/3+1/6, और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 6 होगा, 3 2 3 6 3 6 6 6, ये आपको वैल्यू क्या मिल गया, 6/6 6/6, इट मीन्स 1/1। तो यहाँ से आप, ये हमारा क्या है, 1/RAB का मान है, RAB आपको कैलकुलेट करना है, इसको हम क्या करेंगे, प्लग देंगे तो RAB का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो इस प्रकार से पॉइंट ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1 ओम होगा। तो ये तो था, मैंने आपको सिंपल तरीका सिखाया था किस प्रकार से आप करंट को बेस बना करके आप बहुत सारे प्रतिरोध को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक परिपथ में उनका जुड़ाव श्रेणी है या समांतर है। तीसरा यही हमारा जो क्वेश्चन आपको होगा वो हमारा क्या होगा, मिश्रित फॉर्म में होगा, मिश्रित में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब तात्पर्य है कि यहां पर आप सीरीज और समांतर दोनों को मिक्स करके देखेंगे,
जैसे मैं एक प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, ज्यादातर आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर्स में, वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ही एक तरह से एग्जांपल होगा, क्योंकि वह सर्किट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है और उसमें हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों का कंबाइंड रूप होता है। एक मैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, बस इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कराओ, तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे आप भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन श्रेणी कौन आपका समांतर है। फिर उसके बाद फर्दर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को भी देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आपका सर्किट दिया हुआ है, ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, पॉइंट ए और बी, ये 4 ओम है, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आर ए बी का जरा मान कैलकुलेट कर लीजिए, इट मींस पॉइंट ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको मैं मिक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें श्रेणी का भी रूप देखने को मिल रहा है और समांतर का भी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन श्रेणी कौन समांतर? एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दो पॉइंट के मध्य का ऑक्सिलरी सोर्स लेके चलूं तो यहां से धारा आई प्रवाह होगी और वह धारा यहां आने के बाद दो भागों में टूट जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, इट मीन्स यह कॉम्बिनेशन तो समांतर है। फिर अगर यह करंट बाहर है जो निकल के आ रही है वह आई होगी और यहां पर आप देख रहे हो ये तीन भागों में, तीन रास्तों में, तीन पाथ में डिवाइड जाएगी, तीन ब्रांच में डिवाइड जाएगी, इट मीन्स हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तीनों आपस में पैरेलल में है। लेकिन जब इनका तुल्य आप कैलकुलेट कर लोगे और इनका तुल्य कैलकुलेट कर लोगे और उसको लेकर के सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओगे, तब आप पाओगे कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। देखते हैं, इट मीन्स इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लूं तो सबसे पहले आप आर ए सी निकालो, आर ए सी निकालो और उसके बाद क्या निकालो, आर सी बी निकालो, आर सी बी निकालो। आर ए सी की वैल्यू हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि करंट डिफरेंट है, यहां पर आने के बाद करंट दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/1 आर ए सी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4, 1/2। अब इसको हमको क्या करना है, प्लग देना है, क्योंकि 1/ आर ए सी का मान है, हमको आर ए सी चाहिए, तो आर ए सी इट मीन्स पॉइंट ए और सी के मध्य जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 2 ओम हो जाएगा, वो हमारा 2 ओम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी हमारा काम आसान नहीं हुआ है, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमारा आर सी भी निकालना है, इटमीन्स इस दो पॉइंट के मध्य आपको तुल प्रतिरोध निकालिए, तो सिंपल तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, 1/1 आर सी बी, आर सी बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यहां पर इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 कम 6, 6/6, 1/1, यहां से हमको क्या मिल गया, आर सी बी का मान जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, आर सी बी का मान क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध और इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब इसका जब मैं सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊं तो सिंप्लीफाइड सर्किट अब ऐसा हो जाएगा, अब हमारे पास दो नेटवर्क होंगे, दो प्रतिरोध होगा, एक ही नेटवर्क होगा और इस नेटवर्क में हमारे दो प्रतिरोध होंगे। अब यहां पर इस प्रतिरोध का मान कितना आया है, इसका आर ए सी का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम है, ये 2 ओम हो जाएगा। इस प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा, आर सी बी का मान 1 ओम है, 1 ओम हो जाएगा, और ये पॉइंट ए और बी है। अब ए और बी के मध्य, ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना था, अगर यहां से करंट आई फ्लो कर रही है तो आप देख रहे हो इसमें भी धारा वही प्रवाह करेगी और इसमें भी धारा वही प्रवाह करेगी, क्योंकि हमारे पास पाथ एक ही है, रास्ता एक ही है, तो दोनों प्रतिरोधों में धारा समान है, इट मीन्स दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, वो श्रेणी में जुड़े होंगे। तो आर ए बी, आर ए बी का मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, इट मीन्स कितना हो गया, 3 ओम। तो हमने देखा कि ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो आप ज्यादातर आप पेपर्स में यही मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की कहानी ही देखेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट था सीरीज और पैरेलल का, यही दोनों का मिक्स्ड रूप इसमें आपको देखने को मिला होगा। तो
तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन मैं जो कंसेप्ट सिखाने की कोशिश किया हूं उसको आप सीखने पर ज्यादा फोकस होइएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो वहां पर यही छोटा छोटा जो कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट मैं जो जिक्र करता आ रहा हूं उसी के थ्रू उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और वह नेटवर्क जो जिसको देख करके आप भयभीत हो जाते हो कि इतना कठिन क्वेश्चन कैसे इसका तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करेंगे, वो भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड कॉपी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को या इसी पर आधारित मैं कुछ और थोड़ा जटिल नेटवर्क और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को लेकर प्रस्तुत होऊंगा और कुछ अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चन को लेकर आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।